हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आईटीआई का आपका डिग्री डिप्लोमा वाले जो भी छात्र हैं, जो भी ऑब्जेक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं, उनको पता होगा कि उनको ऑब्जेक्शन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, जब कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं, जब सारा डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं उसके बाद आपका जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे यहाँ पर जो हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, एक आपको ऑब्जेक्शन करके भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यदि आप भी उस तरह से ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपका बिल्कुल जो है ऑब्जेक्शन हो जाएगा और जो बार बार आप यहाँ पर लॉग आउट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है तो आप लोग जानते होंगे। ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले BTSC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आना रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल जो ये आपका ऑप्शन आ रहा है, व्यू ऑल इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको बेटर होगा, क्योंकि यदि आप 1, 2, 3 इस तरह के ग्रुप में करना चाहते हैं तो वो थोड़ा नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थर्ड ग्रुप में ऑब्जेक्शन करके भी दिखाऊंगा, और इसके पहले मैंने बहुत सारे ग्रुप में यहाँ पे कर चुका हूँ, तो तीसरा ग्रुप में मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या करना है आपको, बेसिकली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना रहता है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ओपन होगा, जहाँ पे आपका राइज ऑब्जेक्शन का जो है लिंक यहाँ पे दिया गया, इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होता है इस तरह से कुछ ओपन होता है ना। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना रहता है। ठीक है, तो चलिए ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद आगे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस जो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे सारा कुछ फिलअप कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है जिसमें आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है जो कि यहाँ पे आपको इंटर करना रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर पे जो मेरा OTP आया है उसको मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही आप OTP फिलअप कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए जो आगे का प्रोसेस होगा कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ जो भी आगे होने वाला है वो सारा यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट दोनों को आपको यहाँ पे पढ़ लेना। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आपत्ति जो भी दर्ज करना उसके संबंध में आपको कुछ लिखना रहता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कुछ यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्शन करना उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना रहता है। और दूसरा जो पॉइंट रहता है उसमें आपको क्या करना रहता है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो वो 1 MB से नीचे फाइल जो होता है PDF फाइल वो आपको उससे रिलेटेड अपलोड करना रहता है। जैसे यदि हम लोग बात करें, मान लीजिए कि आपका CGPA में प्रॉब्लम है, CGPA से परसेंटेज कन्वर्सन में, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा CGPA में परसेंटेज कन्वर्सन में आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी फॉर्मूला दे रहा है वो सब यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज है उसमें आपको अपलोड करना होगा वो जो फॉर्मूला आपका यूनिवर्सिटी देता है CGPA से परसेंटेज में कन्वर्सन का, उसका PDF फाइल आपको अपलोड करना रहता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको नीचे जो यहाँ पे एक टिकट, जब आप लोग राइज ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक टिकट नंबर मिलता है जिसको कि आपको नोट डाउन करके रख लेना है। जब तक आपको टिकट नंबर नहीं मिलेगा तब तक आपका ऑब्जेक्शन जो होगा वो कंप्लीट नहीं हुआ माना जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारा नीचे का पेज ओपन होगा, वहाँ पर हम लोग सारा कुछ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ये है, इसमें आ चुका है, इसमें इनका क्या प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं कमेंट्स में। इनका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है इनका डिग्री, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो CGPA भरा है वो 7.77 भरा है और इनका जो परसेंटेज है वो 72.73 का इन्होंने दावा किया है। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो है BTSC के द्वारा मांगा गया है क्या चीज़, तो इनको अपलोड करने के लिए बोला गया है CGPA से परसेंटेज कन्वर्सन का जो फॉर्मूला है वो अपलोड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यदि ये अपलोड नहीं करेंगे तो इनका जो AICT के जो रूल है उसके द्वारा यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपको आपत्ति दर्ज करें इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से एक बार इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को सारा कुछ यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखा हुआ आएगा जिसको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे क्लोज बटन को तो देख सकते हैं इस तरह से होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपत्ति दर्ज करें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ठीक है, अपना आपत्ति यहाँ दर्ज करें। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो इस तरह से एक नीचे पेज खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसमें टाइप करना है जो भी आपको ऑब्जेक्शन है उसको यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप लोग लिख लेंगे उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है आपत्ति दर्ज करना वो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले टाइप करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, तब फिर आगे का जो प्रोसेस है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो आपका यहाँ पे एक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है उसके बाद सेव करना है।
तो चलिए जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है रेज कर दिया है। मेरा जो ऑब्जेक्शन था बेसिकली वो रिमार्क जो आया था मुझे वो CGPA से परसेंटेज कन्वर्सन फार्मूला के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पे जो है उससे संबंधित देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मुझे ऑब्जेक्शन था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मैंने दस्तावेज़ जो इसका जो अपलोड करना था वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो आप भी इस तरह से जो है एक एप्लीकेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख के जो भी आपका प्रॉब्लम वो यहाँ पे आप डिटेल में लिख के PDF में स्कैन करके साथ ही साथ जो भी आपका फॉर्मूला है, यदि आपका CGPA से परसेंटेज कन्वर्सन का फॉर्मूला है आपके पास तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय कुछ सर्टिफिकेट आपके रह गए थे या फिर हो सकता है कि आपने किसी दूसरे कॉलम में अपलोड कर दिया हो तो वो आप यहाँ पर स्कैन करके डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आपको सारा कुछ फिलअप कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ रहा है सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पे अपलोड इसका भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, राइज ऑब्जेक्शन के लिए सारा चूज करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, ये जो बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद रेज ऑब्जेक्शन जो है इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक नंबर जो आपको यहाँ पे टिकट नंबर जो इस तरह से मिल जाएगा जिसको आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है। तो ये मेरा टिकट नंबर है जिसको मैंने यहाँ पे रख लिया, उसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे यहाँ से, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अभी अब फिलहाल यदि आप यहाँ पे करेंगे तो आपको फिर से जो है वहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट के जो पेज था वहाँ पर ले कर चला गया, इस तरह से फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। टिकट नंबर आपको मिल गया यानी आपका ऑब्जेक्शन जो वो हो चुका है, ठीक है। यदि आप दो बार तीन बार कितना भी बार करेंगे तो उससे आपको सेम वही चीज़ फिर से दिखाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है उसके बाद ये पेज जो आपका उसको आपको क्लोज़ कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन जो वो हो चुका है। जब आप फिर से इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपका वन ऑब्जेक्शन जो वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्शन आपको जैसा पता होगा दो ही ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलता है, इसलिए यहाँ पर हमको वन ऑब्जेक्शन रेज यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहें तो इस तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं विंडो को अभी फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं।